उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज समाजवादी पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत शहर के सुभाष चौक से होते हुए हजारों सपा कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा के इस सारे पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में अन्य जनमानस पर पुलिस प्रशासन द्वारा जुर्म व अत्याचार के विरुद्ध उन्नाव रेप पीड़ित को न्याय न मिल पाने के विरोध व षड्यंत्र में शामिल भाजपा विधायक को प्रदेश के बाहर जेल में स्थानांतरित किए जाए, सांसद व अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी मुकदमे वापस लेने व उनका उत्पीड़न न किए जाए। जनपद देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न व भाजपा के सफेद पोश संरक्षण में किया जा रहा अवैध शराब की तस्करी में, जिसमें जिला प्रशासन की सहभागिता के विरुद्ध व बिजली कटौती, महंगाई, भ्रष्टाचार, अस्पताल में दवा की कमी और खराब कानून व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन सभी लोगों का आज वोट लेकर के और आम जनता के ऊपर जो कहर ढाया जा रहा है, आज महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, आज छात्रों की 3 गुना फीस बढ़ा दी गई, आज यहाँ किसानों के जो आज हमारा पूरा देवरिया बाढ़ से ग्रसित है और यहाँ कोई सरकारी यहाँ अधिकारी नहीं गए, कोई किसानों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, डकैती हत्या और लूट बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए यहाँ से हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी प्रदेश पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि महंगाई कम की जाए, उन्नाव की बेटी को इंसाफ किया जाए, सोनभद्र कांड में दोषियों को सजा दिया जाए।